चलिए अब आपको इस चीज पर लेकर चलते हैं कि मैं जब आने के लिए यहाँ पर तैयारी करते, देखे ईमान के बात है। मैं आज का मेरा मैसेज यही है कि अगर ईमान है तो हमें शिफा जरूर मिलेगी। मैं पहले यही सोच रहा था कि मेरे बड़े भाई हॉस्पिटल के अंदर थे, बड़े सीरियस थे और उनको पहले भी यही अटैक हुआ। पहले टाइम के अंदर उनको काफ़ी मेमोरी लॉस हो गए एंड ही वाज अ सीरियस। अभी भी हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर ही है, वहाँ से निकल के आ गए। और 5-6 दिन पहले जब आने के पहले मैंने उनकी फैमिली से बात करी, मतलब 2 दिन पहले, उनकी 4 बेटियाँ हैं। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है या मैं इंडिया जाऊँ। तो काफ़ी देर के बाद बच्चों ने कहा यू ऑलरेडी मेड अ प्लानिंग, यू जस्ट हैव टू गो और डोंट वरी एवरीथिंग विल गो फाइन। लेकिन मुझे थोड़ी सी अंदर से एक ऐसी अगवाई सी आई। मैं अपने भाई को रोजाना देखता था लेकिन ना आप खुली ना उसको कुछ मैं देख पाया ना बात कर पाया। और इधर जब मैं 7 तारीख की शाम को लास्ट में देख के आया तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद मुझे खुदा मुझसे क्या कहलवाना चाहता है। 8 तारीख की सुबह मैं जब उठा, हालांकि मेरा 7 घंटे के बाद फ्लाइट में जाना होता है, और मैं बैठे हुए दुआ करके मॉर्निंग के अंदर मैं खुदा से दुआ करी कि खुदा तू मुझे इस चीज़ का जवाब दे कि मैं तेरी खिदमत करता हूँ, कि क्या तूने इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं अपने भाई से जाते वक्त उसकी आंखें खुली हुई और उससे कम से कम मैं हाथ मिला के जा सकूँ। आप यकीन करना कि दैट वॉज माई वंडरफुल जो है ना टेस्टिमोनी। और मैं दुआ करके ख़त्म किया और आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मेरी वाइफ के पास मेरी भतीजे ने कॉल किया और पूछ रहे थे कि चाची वेर यू गोइंग टू, व्हाट टाइम योर फ्लाइट। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात इतने घंटे हैं कि पापा जो है ना वो चाहते हैं डैडी वांट टू टॉक टू यू और ही वांट टू सी यू एंड दैट वाज माय मतलब प्रेयर। और मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझे दे दिया और मैं इमीडिएटली कार उठा के भाई से मिलने के लिए गया। और आप यकीन करना उसने आँख खोली और आँख खोलने के बाद मैं दुआ कर ही रहा था, दुआ ख़त्म हुई और मेरे से हाथ मिला के कहने लगे कि अब नाउ यू कैन गो। और मैं खुदा का शुक्रिया तो इसलिए करता हूँ कि जो चीज़ भी दुआओं के अंदर मांगी जाती है यकीन करना वो सब मिल जाती हैं। लेकिन अफसोस कि विश्वास नहीं है और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ चंगाई नहीं मिल सकती। मैनी पीपल थिंकिंग दिस पॉइंट कि क्यों नहीं चंगाई मिलती। पहले अपने आप को तैयार करो खुदा के लिए। अगर खुदा के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते तो कैसे हम खुदा की नज़दीकी में पहुँच सकते हैं। और यही सवाल अभी भी आप भी कलीसिया के अंदर बैठे, मैं भी कलीसिया के अंदर थे, मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं खुदा के सामने आपके बीच में खुदा के कलाम को पेश करूं। ये सब खुदा के प्लान थे। अगर मैं बोलता हूं तो खुदा मेरे अंदर से बातें करता है, अगर मेरे अंदर से कुछ रूहानी बरकतें आती हैं तो आसमानी तोड़े मेरे अंदर से नहीं निकलते हैं बल्कि आसमान से आते हैं। आसमान के फरिश्ते आपकी मदद करते हैं। कलाम जो है ना कोई भी नहीं दे सकता जब तक कि खुदा की मर्जी ना हो। और खुदा की मर्जी जब ही हो सकती है कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा अंदर से नहीं आए और पवित्र आत्मा आपको कलाम देना शुरू करती है। इस पवित्र आत्मा से थ्रू यही याकूब और खुदा का परमेश्वर जो कहता है कि अगर देखें कितनी बड़ी अच्छा मेरे खादिम या मेरे दास मुझसे जो भी कुछ मांगेंगे और किसी के ऊपर भी हाथ रखेंगे उसी वक्त एक तो आपको चंगाई मिलेगी और दूसरे आपके गुनाह माफ होंगे। ये सबसे बड़ी जो है ना इस चीज के लिए चले। अब आपको उस चंगाई के ऊपर लेना चाहते हैं और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि खुदा दुआओं का जवाब देता है। अगर दुआओं का जवाब नहीं मिलता या दुआइयां तो सबसे बड़ी गवाही यही है कि अगर मेरी वाइफ दुआ नहीं करती तो मैं पास्टर नहीं बन सकता था कभी भी। उसकी उसने कुछ नहीं मांगा था, उसने एक ही चीज मांगी कि खुदा मेरे हस्बैंड को शराब पीने से बचा, सिगरेट पीने से बचा, बस इतना ही मुझे चाहिए था। लेकिन खुदा ने पता नहीं खुदा की क्या मर्जी थी। और मैं आज अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उसने मुझे इस लायक उसकी दुआओं से मुझे बरकत मिली और आज मैं उन लोगों के अंदर हमारे जो चर्च के अंदर जो है ना मैथोडिस्ट वाले भी हैं, कैथलिक भी हैं, सारे भी हैं एंड देयर आर सो मेनी विटनेस नॉन क्रिश्चियन को भी हमारे वहाँ कन्वर्शन बहुत कन्वर्टेड किए हैं हमने, लेकिन यह सब खुदा का काम होता है और खुदा काम कर रहा है कलीसिया के अंदर। और आप ये देखें कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब मैं कलाम पेश करता हूँ तो मैं आधा कलाम पेश करके कलीसिया के ऊपर रख देता हूँ, लेकिन दिस इज माई सेम सिचुएशन, लेकिन मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर मैं बात करता हूँ तो आगे कलीसिया से पूछता हूँ ताकि कलीसिया से ये पता लग जाए कि ये खुदा के कितने नज़दीकी में है और कितने परमेश्वर के वचन को जानते हैं। अब आप शिफा के ऊपर चलते हैं, अगर शिफा नहीं मिलती तो खुदावंद यीशु मसीह के टाइम के अंदर भी कितनी शिफा मिली। हर चीज इस कलाम के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने जो मिराकल्स किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर से बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी मौजे या मिराकल्स जिसको आप कुछ भी कह लें वो सब किस लिए किए। हमेशा सबसे पहले यही सवाल किया कि जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। जहां पर ईमान है तो वहां शिफा ही है, लेकिन आप हम कौन से शिफा लेने के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास वही पौलुस वाली बात आ गई, पौलुस कुरिन्थियों के अंदर गया, इफिसियों के अंदर गया और तिमोथियों के अंदर पहुंचा, हमेशा यही सवाल करता था, लेकिन लोग खुदा से दूर थे, परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, एक बपतिस्मा लेके बैठे हुए थे, दूसरा बपतिस्मा उनके पास नहीं था। कौन सा बपतिस्मा, क्या का नाम है? खुदावंद यीशु मसीह के रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा को तैयार किया। अगर ये बात सच्ची थी तो वहां के लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उनके ऊपर ईमान लाए, तो पौलुस रसूल ने सबसे पहले सवाल किया कि तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया, तो उससे लोग मजाक में यही कहने लगे कि ये कौन सा बपतिस्मा है, क्या हमें तो एक ही बपतिस्मा देगा तौबा करने का, किसने दिया? यूहन्ना बपतिस्मा। उसी टाइम पौलुस रसूल ने सबके ऊपर कलीसियाओं के ऊपर हाथ रखा और किसका दिया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। चले पवित्र आत्मा के ऊपर चलते हैं।